आज विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस करने वाले हिंदू विरोधी केजरीवाल इस धरना में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पवन शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी, सरदार आरपी सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक कर्नेल जी, सत्यप्रकाश राणा जी, मुकेश सूर्यान जी और हमारे पूर्व विधायक अनिल झा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के बहुत ही कार्यकर्ता, सभी जिला के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख हरामी मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कुत्ता कहें, किसी को कमीना कहें, किसी को हरामी कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। हमारा कहने का हक नहीं है, हम भारत की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी को कुत्ता नहीं कहते हैं। अगर वो कमीने का काम करे, अगर वो हरामीपन करे, अगर वो हिंदू जाति के साथ अगर गद्दारी करे, तो हम उसको गाली नहीं देते। केजरीवाल जी, हम भारत की संतानें हैं, हम हिंदू की संतानें हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हम जवाब देते हैं। और वो जवाब अगर आपको याद नहीं है तो वो जवाब भी याद कर लेना। कांग्रेस के नेता भी संसद में ऐसे ही पूरे हिंदू समाज का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के नेता जब उनका संसद में पूर्ण बहुमत था, पूरे देश में उनकी सरकार थी, तो वो हिंदू को हिंदू नहीं समझते थे। मुसलमान कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देते थे और सहबानों का केस भी वापस लेके मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में ले लेते थे। ये वही कांग्रेस जो टोपिया पहनकर मुस्लिम नेताओं के तुष्टीकरण की बात करते थे, वही लालू और मुलायम इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे। केजरीवाल, इतिहास ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस की लालू और मुलायम का हश्र भी देख लो, जिन्होंने भी हिंदुओं के साथ मजाक किया है और उनका मजाक उड़ाया है, उनका हश्र भी वही होगा जो कांग्रेस और लालू मुलायम का हुआ है। ज्यादा दिन दूर नहीं है, ज्यादा रावण की तरह हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको शर्म नहीं आती है? जिन कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए, नरसंहार किया गया, और उस समय वहां की सरकार हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, या वहां बैठे फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार हो, जिस तरह उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम किया,
कश्मीरी हिंदू नहीं, आज केजरीवाल ने पूरे देश के हिंदुओं को ललकारा है। पहले भी तुम ये मानसिकता दिखा चुके हो, ऐसा नहीं पहली बार किया है, पहले भी दिखाई है। पहले भी सीए कानून का विरोध किसने करवाया, किसने करवाया? राम मंदिर पर सवाल किसने उठाए? ताहिर हुसैन। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में अमातुल्ला खां, ताहिर हुसैन किस पार्टी के हैं? चांदनी चौक में हनुमान मंदिर किसने तोड़वाया? और मुल्ला मौलवियों को तनख्वाह देकर देने का काम किसने किया? और मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह नहीं देने का काम किसने किया? दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किसने किया? टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किसने किया? खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ पींगे बढ़ाकर हाथ में हाथ डालकर उनके साथ मीटिंग करने का काम किसने किया? दोस्तों, ये धरना सिर्फ एक धरना नहीं है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि केजरीवाल, जो आपने ये काम किया है, जो मुखौटा, जो भेड़िया के रूप में, जो भेड़िया का चोला पहन रखा है, एक मानवतावादी के रूप में, वो सब उजागर हो गया है। मुझे ध्यान आता है बचपन में कहानी पढ़ाई जाती थी कि एक मासूम बच्चा अपनी नानी, जिसकी तबीयत खराब थी, उसको खाना देने के लिए पहुंचा और भेड़िया वहां आ गया, उसने नानी का चोला पहन लिया और बच्चा उसको खाना देने गया, तो वो भेड़िया जो नानी के चोले में था बोला, बेटा खाना ले आए हो, हमें बड़ी भूख लगी है, खाना दे दो। और बच्चे ने जब खाना दिया तो खाना तो नहीं खाया, उस भेड़िए ने उस बच्चे को खा लिया। ये जो भेड़िया केजरीवाल, जो भेड़िया जिसने हिंदू समाज का वोट लिया है और उस वोट को बाद हिंदू समाज को खाने का काम करेगा, तो हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये संकल्प है, ये सबक उनको सिखा कर रहेंगे। अरे केजरीवाल, तूने अगर इतनी हिम्मत होती, अगर तूने हिंदू समाज के साथ चुनाव से पहले तू करता, चुनाव से पहले इस तरह का मजाक उड़ाता, तेरे औकात पंजाब में, जहां चार राज्यों में तो दिखा दी है, पंजाब में भी तेरी औकात पता लगती। तू ये समझ रहा है कि ये हिंदू समाज को हम कुछ भी कहेंगे? तू जिन कपड़ों की बात कर रहा है, अरे तूने देखे तेरे कपड़े के अंदर जो खाल है, उस खाल के अंदर जो नशे है, वो किसका खून दौड़ रहा है, कभी देखा है? आज ये संकल्प है, ये धरना नहीं, ये कार्यक्रम नहीं, ये संकल्प है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि हम एक एक कार्यकर्ता अपने इलाके में जाएंगे और इस हिंदू विरोधी केजरीवाल का चेहरा, उसका नकाब, जो उसने भेड़िए के रूप में भेड़िया है और जो नकाब पहना है, उस नकाब को उतार कर फेंकेंगे और आने वाले समय के अंदर ये जवाब मिल जाएगा। ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं है। कब तक हंसोगे केजरीवाल रावण की तरह, लालू मुलायम कांग्रेस की तरह? तुम्हारा भी हश्र होने वाला है, यही ये हिंदू समाज जाग गया है और तेरी औकात को पहचान गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।